हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है, समझ गए? कहे कि कौन चीज है, कब चुनौवा होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि अगर पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? तो समय से पहले लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, सीएम नीतीश ने इसकी आशंका जताई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, दरअसल ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम को, और इसी दौरान योजनाओं को जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही काम पूरा कीजिए, कोई जरूरी है कि अगले साल ही चुनाव होगा, पहले भी हो सकता है, इसलिए समय से पहले काम पूरा कर ले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग के 6,680 करोड़ की 5,061 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से, समय से पहले चुनाव हो सके, सीएम नीतीश कुमार ने ये बातें कही है और इसकी आशंका जताई है। सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान योजनाओं को जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया सीएम नीतीश ने, और कहा कि जल्द काम पूरा कीजिए, कोई जरूरी है कि अगले साल ही चुनाव होगा, पहले भी हो सकता है, और इसलिए समय से पहले काम पूरा कर ले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग के 6,680 करोड़ की 5,061 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है, समझ गए? कहे कि कौन चीज है, कब चुनौवा होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि अगर पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? माननीय उप मुख्य ग्रामीण कार्य मंत्री महोदय का स्वागत हरित वृक्ष के साथ। इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। अशोक जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि समय से पहले भी लोकसभा का चुनाव हो सकता है, आशंका जताई है सीएम नीतीश ने, क्या मायने हैं उनके इस बयान का? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ग्रामीण कार्य विभाग की लगभग 5,061 योजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास एवं उद्घाटन कर रहे थे और मुख्यमंत्री आवास के संकल्प में यह कार्यक्रम आयोजित था। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव अगले साल हो, इस वर्ष भी चुनाव हो सकते हैं, इसमें समय सीमा के अंदर आप काम को पूरा करिए। यानी कि मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिए हैं, क्या मुख्यमंत्री को ऐसी जानकारी मिली है कि हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव 2024 के बदले 2023 में ही संपन्न हो, और इसलिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया है कि समय सीमा के अंदर राज्य सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है उन योजनाओं को सही समय पर आप पूरा करें, क्योंकि जब चुनाव अगर 2023 में ही होते हैं तो बहुत जल्द ही आप ये करते हैं कि चुनावी अधिसूचना जारी हो सकती है और उसके बाद राज्य सरकार को काम या अधिकारियों को काम करने में कहीं कहीं कठिनाई होगी। जब निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित हो जाएगा तो चुनाव आचार संहिता भी लग सकती है और वैसी परिस्थिति में बहुत सारी योजनाएं जो है उन योजनाओं पर एक तरह से कहिए कि रोक लग जाएगी, और दूसरी बात है कि अधिकारी भी सभी चुनावी मोड में आ जाएंगे और राज्य सरकार भी पूरी तरह से आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कही और उन्होंने संकेत दिया, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह संकेत काफी मायने रखता है क्योंकि 23 जून को विपक्षी दलों की जो बैठक होने वाली है उस बैठक के तहत मुख्यमंत्री पूरी तरह से मेजबान की भूमिका में है और उन्हें जो फीडबैक मिला है इससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार 2023 में ही लोकसभा का चुनाव करा सकती है। इस साल के अंत में देश के लगभग 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वैसी परिस्थिति में केंद्र सरकार अगर चाहे तो लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ हो सकता है। इसके पहले भी केंद्र सरकार और खास करके बीजेपी सरकार ने ये चुनाव कराए, आपको याद होगा कि 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो समय से पहले 2004 में समय से पहले ही चुनाव हो चुक गए थे और इस वजह से ये तरह के बीजेपी को नुकसान भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार 2023 में ही चुनाव करा सकती है, इस बात के संकेत मुख्यमंत्री नीतीश ने दिए और ये बहुत बड़ा संकेत जी। शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।